शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक बुधवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित अभियोजन अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित मुकदमे के निस्तारण में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एससी एसटी एक्ट, पास्को महिला उत्पीड़न की घटना, फरार अभियुक्तों पर की गई कार्यवाही सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अपराधियों के साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। अशोक कुमार वर्मा जी, बताएं आपके कितने मामला क्या हुआ, निस्तारण हुआ है? आपको ये बताइए ना, पोक्सो एक्ट 3 में जो ये 3 कोर्ट नंबर 3 है क्या? जी जी, कोर्ट नंबर 3। उस पर एक भी डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ पूरे महीने में? कितने मामला है वहाँ? 155 में एक भी पूरे महीने में डिस्पोज नहीं कर पाया आपने? कल हुआ सर, एक डिस्पोजल हुआ। क्या हुआ? 10 साल से ज्यादा।